बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक तरफ जहां शिक्षा में बढ़ावा, ढांचागत विकास एवं संसाधनों के विकास पर जोर दे रही है, वहीं दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में एक ऐसा भी विद्यालय है जहां अब तक विद्यालय में चार दीवारी भी नहीं है। विद्यालय का भवन भी काफी जर्जर है, जिसे देखने से यह समझ में नहीं आता है कि यह विद्यालय है या जंगली जानवरों का रैन बसेरा। इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय उर्दू कुम्हरौल है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि विद्यालय के दोनों तरफ से मुख्य सड़क गुजरती है। सड़कों के त्रिकोण आकार में यह विद्यालय स्थित है। ऊपर से मकान भी काफी पुराना है, जर्जर है, लिहाजा यहाँ हादसे का सदा खतरा बना रहता है। संकट का समय तब और विकट हो जाता है जब साल के 3-4 महीने आसमानी आफत और जमीनी आफत दोनों एक साथ सितम ढाती। बाढ़ बरसात की वजह से इस विद्यालय में खतरा और बढ़ जाता है। जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी अलग से सताता है और पढ़ने वाले बच्चे हर समय खतरों के साए में होते हैं। ए टू जेड न्यूज लाइव की टीम जब गांव में पहुंची, गांव के लोगों ने इस विद्यालय के बारे में बताया। इस विद्यालय के हालात को देखकर हम भी अवाक रह गए। देखिए ए टू जेड न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की एक्सक्लूसिव स्पॉट लाइव रिपोर्ट। कुम्हरौली का प्राथमिक विद्यालय है, बाढ़ बरसात की वजह से हर साल परेशान होता रहा है। दरभंगा जिले का यह इलाका है, लोगों का बताना है कि उम्मीद नहीं है कि यह विद्यालय का भवन बनेगा। होने वाला नहीं, जितने भी खाओ पकोवा सब एप्लीकेशन दिए हुए कम जगह कई साल हो गया, ये बनने वाला नहीं है। बनना होता कब का बन गया होता। आदमी लोग ठीक नहीं है, खाओ पचाओ वाले है, हम आपसे खाए, हमारे से कोई और खाया, सर इसका क्या होगा? कोई घटना होगा तो कहेगा सरकार भरेगा, सरकार पे ज्यादा रुपया है, सरकार भरेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? गांव के लोग, गांव के सीनियर है, उनसे पूछिए, हम गरीब लोग क्या बोलेंगे? हम तो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, हम गांव समाज के आदमी है, हमारे बच्चे पढ़ते स्कूल में। कब से देख रहे हैं ऐसा हालात? काफी दिन से देख रहे, 15-16 साल से देख रहे हैं। स्कूल जो है देख रहे हैं हालात स्कूल का, ये हमेशा ऐसा रहेगा, बनेगा नहीं, चरगा लगता है, हमको लग रहा है नहीं बनेगा, ये जब घटना होगा तब बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन शाह, कुम्हरौली गांव हुआ, राड़ीपुरी भी कुम्हरौली। शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जो बिल्डिंग है काफी पुराना है, परेशानी नहीं होती है? पुराना है, परेशानी तो होती है सर, कहेंगे क्या, हम लोग तो अब आए हुए हैं इसमें तो फरारत पड़ेगा, जो स्थिति है तो आप देखते रहे। कि कब से है ऐसी स्थिति? ऐसी स्थिति तो 7-8 साल से हो गए। नहीं अब इसके बाद पैसा भी आया तो वो लौटा दिया गया। क्यों? यहाँ बहुत पॉलिटिक्स बनने नहीं दिया गया, अगर ये रहा हमारा इधर से होगा, हमारा यहाँ से होगा। हम तो बिल्डिंग नहीं बनने का वजह क्या हो सकता? वही जमीन उपलब्ध नहीं होगा। तो जो बच्चे की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ? 104। तो ये जो इस भवन में जो पढ़ाते हैं तो काफ़ी खतरा रहता है? जी खतरा तो रहता है। तो विभाग को लिखना चाहिए आपको? विभाग को लिखा गया है सर। बाढ़ बरसात से भी इफेक्ट होता है? जी बाढ़ तो आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। वहीं ग्रामीणों को विश्वास है कि अधिकारी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। भवन का यह जो स्थिति है, यह जो हालात है, पिछले 10-15 सालों से यही स्थिति है। दिन प्रतिदिन भवन जो है सो काफी जीर्ण शीर्ण बनता जा रहा है और इस तमाम अराजक माहौल के बीच दोनों तरफ से हर दीवारी का अभाव है, दोनों तरफ से सड़कें गुजरती हैं, उस बीच जीर्ण भवन है। बरसात का जो मौसम होता है तो बच्चे यहां से घर की तरफ भाग जाते हैं, शिक्षक उनके पीछे होते हैं। कई बार खौफ ऐसा होता है कि विद्यालय के शिक्षक भी आसपास के घरों में जाकर में शरण ले लेते हैं। भवन से हम लोग को बहुत डर लगता है, कब गिर जाएगी हम लोग को क्या है। तो बच्चे तो शिक्षक को भगवान की तरह मानते हैं और बच्चे की हिफाजत तो हम लोग जहाँ तक होता है हम लोग करते ही हैं सर, उसमें तो कोई कमी नहीं करते। लेकिन ये जो भगवान है खुद जो है सो खौफ में, हम खुद खौफ में, लेकिन बच्चे को तो खौफ में नहीं देते। कब से ऐसा सिलसिला चल रहा है? सर ये 8-10 साल। अब कितना दिन से यहाँ पढ़ाते जाते हैं? पढ़ाते हैं सर यहाँ 15 साल से। आपके सीनियर बदलते रहे 10 सालों में? जी। व्यवस्था नहीं बदली, ये भवन नहीं बना? नहीं बना। दोनों तरफ से रोड है सर, पूरा भागते हैं, हम लोग को पूरा केयर करना पड़ता है सर, एकदम एनी टाइम बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, बात बहुत बना रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत जहां है। विद्यालय में जो कागजात है वो भी कई बार भीग कर बर्बाद हो जाता है। सैलाब के दिनों में यह जो इलाका है सैलाब के कारण से यह विद्यालय बंद हो जाता है, इलाका प्रभावित होता है। बिल्डिंग की परेशानी सबसे ज्यादा, बच्चे ज्यादा होते हैं तो बैठने की परेशानी हो जाती है,
बच्चों पे बच्चे, अभी लॉकडाउन का वक्त था तो 6 फीट के तकरीबन दूरी पर बच्चों को बिठाना था, वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि तो बच्चे ज़्यादा होते हैं और सटा सटा जगह की वजह से, और बिल्डिंग का जो हाल है बार बार विभाग को लिखा गया लेकिन विभाग ने किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सलाब का पानी तो अंदर तो घुसता है। अच्छा जी, अंदर तो पानी हो जाए। कौन सा नदी का पानी रहता है ये बगल में? कमला खिरोई तो प्रत्येक साल पानी आता है, जब भी सैलाब आया तो पानी आना। अगर साथ में तो चूता होगा पानी जी अंदर में, तो दिखाइए पूरा छत सिल जाता है बारिश होने से, कंटिन्यू बारिश हुई तो छिल्ला सिल जाता है और परेशानी होती है अंदर बैठना उठना भी। तो फिर उस पीरियड में क्या करते हैं, बच्चे को छुट्टी कर देते हैं? अब जितना संभव हो सकता है कोशिश करते हैं बिठाएं पढ़ाएं, जब हमारे बस से बाहर होता है तो फिर हम छुट्टी करते हैं। विभाग के अधिकारियों को भी पता है? पता है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। वो लोग अपने स्तर से कुछ करते हैं लेकिन हम लोग तो इस तरह के बारिश आती होगी तो आप लोग भी इधर उधर चले जाते जी, झाटा अगर हवा तेज चली तो यहाँ तक। ये जो स्कूल के अंदर में जो कागजात है आपको भी तो भीग जाता होगा? दो ही, चूंकि दो ही रूम है, दो रूम में कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को? बस कहा ना किसी तरह एडजस्ट करके। सबसे ताजुब यह होता है कि दरभंगा जिले के अफसर बदलते रहे, विभाग के अधिकारी भी कई बार इस विद्यालय का आना जाना करते रहे, लेकिन ताजुब तब हो रहा है कि आखिर यह व्यवस्था क्यों नहीं बदले, वह भी तब जब बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनका दावा किया जा रहा है स्कूलों में तमाम बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, शिक्षकों को लगातार लगाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दरभंगा के जाले प्रखंड का यह जो विद्यालय है उस दावे की हकीकत को झूठलाता है। दीपक कुमार तिवारी, A2Z News Live, जाले दरभंगा बिहार।